स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी अपडेट इस वीडियो में सभी साथियों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जो वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए थे 4 सितंबर को, उसको लेकर सरकार का स्पष्टीकरण आया है, उसी खबर को लेकर बात करेंगे और इसके साथ ही विभिन्न शैक्षिक खबरों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है 4 सितंबर को, उसको लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण आदेश ये दिया है कि सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं लगेगी, पहले की तरह ही भर्तियाँ होंगी, लेकिन जो है नए पद हैं उनके सृजन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है, उसको प्रतिबंध किया जाता है। दिखा देते हैं आपको पूरी खबर जो सरकार ने बात कही अपने ऑर्डर में वापस क्या बात कही है। तो वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई जो है रोक नहीं लगाई गई है। सरकार जो है विभिन्न प्रकार की जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसी जैसे एसएससी है, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां पहले की तरह ही जारी रहेगी और की जाएगी। मंत्रालय ने आगे ये कहा है कि 4 सितंबर 2020 का जो विभाग का सर्कुलर जारी हुआ है वह संबंधी उसमें विभिन्न पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालय विभागों और गैर विभिन्न जरूरी खर्चों को कम करने के लिए कहा था। सरकार ने मंत्रालय विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने, छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। इसके साथ ही व्यय विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने खर्च के बेहतर प्रबंधन पर ये निर्देश, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, गैर विकासात्मक खर्च को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण कार्य है प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था जिसमें मौजूदा राजकोषीय स्थिति और सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है ताकि प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार सरकार में जो वित्त मंत्रालय 4 सितंबर को ऑर्डर जारी हुआ है उसको लेकर स्पष्टीकरण ये है कि विभिन्न प्रकार के सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी, लेकिन सरकारी भर्तियां जो है एसएससी है, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट, इसके लिए जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही है कि नए पदों के सृजन पर रोक रहेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि परामर्शकों का शुल्क तय करते समय इस बात की सावधानी बरती जाए कि इससे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित न हो। इसके साथ ही नए पदों के सृजन के बारे में कहा गया है कि इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, यानी कि नए पद किसी भी विभाग में सृजित नहीं किए जाएंगे, पुरानी जो भर्तियाँ हैं वो जारी रहेगी, जो भी है नए पदों पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ एक मामलों में वही विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि 1 जुलाई 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है और जिसके लिए वही विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है तो इसे रिक्त ही रखा जाए, यानी कि 1 जुलाई 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है और उस पर मंजूरी नहीं ली गई है और यदि इस पर नियुक्ति भी नहीं हुई तो इसे रिक्त ही रखा जाएगा। यानी कि नए पदों पर सृजन पर रोक रहेगी, लेकिन पुरानी जो भर्तियां हैं एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट की, वो जारी रहेगी। सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है सरकारी भर्तियों को लेकर वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसके साथ ही खबर दिखा देते हैं आगे दोस्तों, बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण वो ये है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है खबर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का लंबे समय से बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं राजस्थान में। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पर जो फैसला है वो 7 सितंबर तक या कल तक हो सकता है। राजस्थान के 11 लाख से ज़्यादा बेरोजगार जो है शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी इस भर्ती की घोषणा के बाद 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं। 31,000 पदों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां यूं तो अंतिम दौर में है, लेकिन ओवर एज होने के डर से कैंडिडेट्स जल्द इस भर्ती की तारीख जारी होने की उम्मीद समझाए बैठे हैं। राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को यदि किसी भर्ती का बेसब्री से इंतजार है तो वो है रीट भर्ती परीक्षा। 24 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा के आयोजन की घोषणा की थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी परीक्षा 2 सितंबर 2020 को आयोजित करवाने की घोषणा की थी, लेकिन करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश के करीब 11 लाख बेरोजगारों को भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न और परीक्षा तिथि का इंतजार है। अभ्यर्थियों की माने तो बड़ी तादाद में ऐसे कैंडिडेट भी है इस परीक्षा में शामिल है जो ओवर एज होने की स्थिति में है और लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि अब भी देरी की जाती रही तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार तैयारी कर रही है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को करवाया जाए। इसको लेकर जो है अभी तक कोई विभाग या नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अब बेरोजगारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्यव्यापी कड़ा आंदोलन किया जाएगा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहले मई महीने तक इस परीक्षा को सितंबर में आयोजित करवाने को लेकर बात करते रहे, लेकिन कोरोना काल लंबा खींचने के चलते परीक्षा का समय और आगे टाल दिया गया। हाल ही में प्री बीएड की परीक्षा भी कोरोना गाइडलाइन के साथ कराई गई, तो इससे बेरोजगारों की उम्मीद जागी कि प्रतियोगिता परीक्षा भी सरकार पूरे एहतियात के साथ करवा सकती है, लेकिन परीक्षा से पहले विज्ञप्ति और तिथि की घोषणा करना बेहद जरूरी है। हर बार परीक्षा का आयोजन करने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को भी अब
रीट की संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जहां हालात सामान्य होने पर परीक्षा आयोजन की बात कही तो वहीं उनका ये भी कहना था कि प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग में भी कई भर्तियों की जो है ऐसे में अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए भी निश्चित रखकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही 7 सितंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। इसमें पैटर्न, परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द परीक्षा करवाने के आश्वासन पर अभ्यर्थियों को भरोसा करना होगा, क्योंकि सरकार आश्वासन पर ही बेरोजगार की उम्मीदें कायम हैं। तो ये बड़ी खबर है रीट भर्ती को लेकर। इसके साथ ही खबर है दोस्तों, सरकारी नौकरियों के लिए राज्य के ही युवाओं को वरीयता देने के लिए मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देने की संभावना तलाशने को लेकर जो है शुक्रवार को मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न अफसरों के साथ मंथन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, विधि विभाग के अधिकारियों को गुरुवार को निर्देश दिए थे कि वे नौकरियों में स्थानीय युवाओं का वरीयता देने के मामले परीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट भेजें। तो ये बैठक हुई है और जल्द ही इस पर निर्णय भी आ सकता है कि सरकारी नौकरी में राज्य के युवाओं को जो है वरीयता दी जा सकती है। तो ये तमाम तरह की खबरें थी दोस्तों इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।